हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ENDINFO ITI। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ENDINFO ITI पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो वैकेंसी आई हुई है ट्रेनिंग ऑफिसर की, उसके बारे में। और उसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि जो जिस भी पार्टिकुलर ट्रेड में ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, उसका सिलेबस क्या होगा, उसका पाठ्यक्रम क्या होगा और कहाँ कहाँ से उसमें क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ENDINFO ITI का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ हूं, ताकि इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स टाइम टू टाइम हम लोगों को मिलती रहे और पता चलता रहे कि वैकेंसी में क्या हो रहा है। आइए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड का। आज की वीडियो में मैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेनिंग ऑफिसर के बारे में ही बात करूँगा। जैसा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा रिक्रूटमेंट जो 2022 का है, उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। और उस सिलेबस में मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कवर किया जाएगा। फर्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे परफॉर्म बेसिक वर्कशॉप ऑपरेशन यूजिंग सुटेबल टूल फॉर फिटिंग रिवेटिंग ड्रिलिंग ETC ऑब्जर्विंग सुटेबल केयर एंड सेफ्टी फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशंस। यानी कि जो आपने अपनी ITI में 2 साल के कोर्स में या अप्रेंटिस में आपने पढ़ा है, या अगर आपने CITS किया होगा तो जो बेसिक्स पढ़े होंगे, पहला जो टॉपिक है वहीं से कवर हुआ है, जिसमें सारे बेसिक टूल्स हैं, फिटिंग है, रिवेटिंग, ड्रिलिंग, ऑब्जर्विंग सुटेबल केयर एंड सेफ्टी है। उसके बाद सेलेक्ट एंड परफॉर्म इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट ऑफ सिंगल रेंज मीटर एंड कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जो आपका एनालॉग मीटर होता है, उसका कैलिब्रेशन आप कैसे कर सकते हैं और आप उसका सिंगल रेंज जो मेजरमेंट होता है वो किस प्रकार से होगा। टेस्ट एंड सर्विस डिफरेंट बैटरीज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन। यानी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन में जो बैटरीज यूज होती हैं, उसमें उसको कैसे आप टेस्ट करेंगे, और कुछ बैटरी हैं जिनकी आप सर्विसिंग कैसे करेंगे। एंड रिकॉर्ड द डेटा टू द एस्टिमेट रिपेयर कास्ट, और आप डेटा को रिकॉर्ड करना है। मेजर AC DC यूजिंग प्रॉपर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। AC DC आप करंट कह लीजिए, वोल्टेज कह लीजिए, आपको मेजरमेंट करने आना चाहिए, उसकी थ्योरी पता होनी चाहिए। एंड कंपेयर द डेटा यूजिंग स्टैंडर्ड पैरामीटर। स्टैंडर्ड पैरामीटर के अकॉर्डिंग आपको उसका कंपेरिजन करने आना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। मेजर द वेरियस पैरामीटर बाई DSO। DSO यानी ये जो लेटेस्ट सिलेबस है, जो लोग अपडेटेड सिलेबस 2017 या 2019 का सिलेबस पढ़े होंगे, उनको ये पता होगा कि DSO यानी डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप आपका जो होता है, उस पर आपको मेजरमेंट आना चाहिए। एग्जीक्यूट द रिजल्ट विथ Standard 1, और Standard 1 के साथ उसको आपको मिलान करना है, उससे आपको रिजल्ट देखना है। प्लान एंड एग्जीक्यूट सोल्डरिंग एंड डी सोल्डरिंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लाइक स्विचेस, PCB, ट्रांसफार्मर फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। यानी सोल्डरिंग डी सोल्डरिंग के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, साथ में उसकी थ्योरी भी पता होनी चाहिए, जो जैसे स्विचेस है, PCB, ट्रांसफार्मर, ये सारे कंपोनेंट। टेस्ट वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूजिंग प्रॉपर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड कंपेयर द डेटा यूजिंग स्टैंडर्ड पैरामीटर। स्टैंडर्ड पैरामीटर के साथ में आपको मेजरमेंट कंपैरिजन करने आना चाहिए। असेंबल सिंबल इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई सर्किट एंड टेस्ट फंक्शनिंग। आपको कह रहा है पावर सप्लाई असेंबल करने के लिए और उसके फंक्शन को भी टेस्ट करने आना चाहिए, उसकी थ्योरी एंड एज वेल एज प्रैक्टिकल। कंस्ट्रक्ट टेस्ट एंड वेरीफाई द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस एनालॉग सर्किट्स। इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो ग्राफ होता है, जिस पर आप वोल्टेज के साथ करंट या जो कंपोनेंट का वैल्यू को आप कम ज़्यादा करके जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं या लाते हैं अपने रिजल्ट में, उसके बारे में बात कर रहा है। इसके बाद बात करेंगे 10 नंबर पे है प्लान एंड कंस्ट्रक्ट डिफरेंट पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड एनालाइज द सर्किट फंक्शनिंग। आपको डिफरेंट टाइप की पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनानी है और उसके रिजल्ट को एनालाइज करना है। बात करते हैं 11 नंबर सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड वेरीफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द डिफरेंट सर्किट। ऑप्टो कपलर या ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, उनको भी आपको उनका असेंबल करना है और उनको वेरीफाई करना है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करनी है। असेंबल टेस्ट एंड ट्रबल शूट वेरियस डिजिटल सर्किट।
फिर स्टिमुलेटेड एंड एनालाइज द एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेटर सॉफ्टवेयर। जैसा कि सिमुलेटर सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप कंपोनेंट को ऐड करते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट आपको लाइव डिस्प्ले पर फंक्शन में दिखता है, उसको आप सिमुलेटर कहते हैं। पूरा एक्चुअल सर्किट की तरह काम करता है वो, बल्कि एक सॉफ्टवेयर होता है। 14 नंबर, कंस्ट्रक्ट एंड टेस्ट डिफरेंट सर्किट यूजिंग 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड IC555 लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। कहने का मतलब ये कि जो 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर आप यूज़ करते हैं, चाहे उसमें पॉजिटिव फीडबैक हो, नेगेटिव फीडबैक का हो, या IC555 टाइमर IC हो, इससे जो बनने वाले एक्सपेरिमेंट हैं या इसकी थ्योरी है, वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। रीड एंड अप्लाई इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ वर्क, यानी जो आपका वर्क है, जो सर्किट्स है, इससे संबंधित आपको ड्राइंग के बारे में भी पूछे सकता है। डिमोस्ट्रेट बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल, यानी कि जो मैथमेटिक्स का बेसिक्स होते हैं वो भी आपको आना चाहिए, क्वेश्चंस वहाँ से भी होंगे। अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन बेसिक साइंस ऑफ द फील्ड ऑफ स्टडी, वही जो मैंने बताया। प्रिपेयर क्रिम्प टर्मिनेट एंड टेस्ट वेरियस केबल यूजिंग डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में केबल्स यूज होती हैं उनके क्रिम्पिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए और आपको आना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट 19 नंबर, आइडेंटिफाई प्लेस सोल्डर एंड डी सोल्डर एंड टेस्ट डिफरेंट SMD डिस्क्रीट कंपोनेंट IC पैकेज विद ड्यू टू केयर द फॉलोइंग सेफ्टी नॉर्म्स यूजिंग द प्रॉपर टूल्स, यानी प्रॉपर टूल्स का यूज़ करके आपको SMD या प्लेस सोल्डर एंड डी सोल्डर, ये सारे वर्क और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। SMD आप जानते ही हैं कि सरफेस माउंट डिवाइस होता है। इसके बाद बात करते हैं रीवर्क ऑन PCB आफ्टर आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट फ्रॉम द SMD सोल्डिंग एंड डी सोल्डिंग, मतलब PCB रीवर्क, यानी PCB पर आपको काम करने आना चाहिए डिफेक्ट्स फ्रॉम SMD सोल्डिंग। अगर SMD सोल्डिंग के द्वारा डिफेक्ट हुआ है कुछ PCB पे, तो आपको रीवर्क करने आना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। कंस्ट्रक्ट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट एंड टेस्ट फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग विद ड्यू टू केयर एंड सेफ्टी। कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट्स से संबंधित क्वेश्चन होंगे। असेंबल द कमर्शियल AM/FM रिसीवर, ये भी आपने ITI में पढ़ा होगा। टेस्ट सर्विस एंड ट्रबल शूट द वेरियस कंपोनेंट एंड डिफरेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोग्रामेबल सिस्टम एग्जीक्यूट द ऑपरेशन डिफरेंट सेंसर डिफरेंट आइडेंटिफाई वायर एंड टेस्ट वेरियस ट्रांसड्यूसर एप्लीकेशंस, ये भी आपका ट्रांसड्यूसर से संबंधित क्वेश्चन होंगे और उनको टेस्ट करने आना चाहिए और उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रिपेयर फाइबर ऑप्टिक से सेटअप एंड एग्जीक्यूट ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन प्लान एंड इंटरफेस द LCD लाइट क्रिस्टल डायोड लाइट इमिटिंग डायोड DPM डिजिटल पैनल मीटर टू वेरियस सर्किट एंड इवेलुएट परफॉर्मेंस इनका रिजल्ट डिफेक्ट द फॉल्ट एंड ट्रबल सूट SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई UPS अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई एंड इन्वर्टर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स आइडेंटिफाई टेस्ट एंड वेरीफाई द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो वोल्टाइक सेल मॉड्यूल बैटरीज एंड चार्ज कंट्रोलर इंस्टॉल द सोलर पैनल एग्जीक्यूट टेस्टिंग एंड इवेलुएट परफॉर्मेंस बाई कनेक्टिंग द पैनल ऑफ द इन्वर्टर, यानी ये सारे से भी आपको क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद कुछ ट्रबल सूट है, आप LCD LED TV है, ये सारी चीज़ें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 14 अक्टूबर 2022 यानी 14 अक्टूबर 2022 का ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया हुआ सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए। तो दोस्तों ये रहा आपका सिलेबस, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रेड का सिलेबस लेके आएंगे, तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।